नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप हैं इस वक्त हमारे संजीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज के खास खबरों पर। सरायकेला जिला अंतर्गत गमरिया प्रखंड क्षेत्र के कांडरा स्थित एक निजी नर्सिंग होम के सहयोग से गेल गैस लिमिटेड ने निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य का निःशुल्क जांच किया गया। साथ ही जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। जानकारी देते हुए गेल गैस लिमिटेड के एरिया मैनेजर रचित एक्का ने बताया कि कंपनी अपने CSR योजना के तहत सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसे शिविरों का आयोजन कर क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य मुहैया कराने को लेकर संकल्पित है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। तहत में जो हेल्थ जो बेनिफिट जो रूरल एरिया में जो मिलना चाहिए, गांव में जो पहुंचना चाहिए, हम लोग उसके लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को एक हेल्थ बेनिफिट मिले। क्योंकि आज की तारीख में स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए तो बहुत महंगा होता जा रहा है और लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरा कि लोगों में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, कोई कंपनी कर रही है, कोई या फिर कोई NGO हमारे लिए कुछ कर रहा है। हम चाहते हैं कि हर आदमी कोशिश करे कि वो आए, अगर कुछ भी तकलीफ है तो सामने आए जहां तक कैंप लगता है। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो दो कैंप लगने वाला है, एक सरायकेला में और एक चाईबासा में लगेगा। हम कोशिश करते हैं कि लोग आए, कुछ भी है अपने आपको चेकअप कराए, फ्री में एक अपॉर्चुनिटी मिलता है चेकअप कराने का। हर जगह इस टाइम की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप सदर में जाइए आपको लाइन लगेगा, यहाँ पर आप आइए एटलीस्ट घर के पास कोशिश कर रहे हैं करने का। फ्यूचर में जो प्लान है, हम सुदूर गांव में इंटीरियर्स में जाकर के हम करेंगे, इंटीरियर्स में जाकर के लोगों को बताएंगे स्वास्थ्य क्या चीज होती है। चेकअप उनके गांव में होगा, घर के पास कोशिश करेंगे सुविधा देने के लिए। थोड़ा सहयोग हम लोग को डॉक्टर्स का भी चाहिए, थोड़ा सा राज्य सरकार का भी चाहिए, बट हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे। पूरी हम लोग की कोशिश रहेगी कि सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ये गांव गांव तक पेनिट्रेट करेंगे। बुंडू के सोनाहातू थाना क्षेत्र के बलवाडी जारिया डिबाडी गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। खेत में लगे हुए सब्जी की फसल को खाके चाट डाला। दो महीने से लगातार इस क्षेत्र में हाथियों का उत्पात इसी तरह जारी है, इससे ग्रामीण काफी भयभीत हैं। हाथियों ने पहले तो सब्जी को बर्बाद किया, फिर लगे चापाकल को उखाड़ने का प्रयास किया और एक घर को भी तोड़ दिया। इस मामले को लेकर वन विभाग के पदाधिकारियों की चुप्पी समझ से परे है। सोनाहातू से रिपोर्ट संतोष कुमार मेहता की। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आदित्यपुर विकास समिति की ओर से पूरे आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए कंबल और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में रविवार को नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह आदित्यपुर विकास समिति के संयोजक पुरेंद्र नारायण सिंह द्वारा अलाव से भरे दो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। हाड़ कपाती ठंड को देखते हुए आदित्यपुर विकास समिति द्वारा 50 क्विंटल अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम के सभी वार्डों में की गई, जो संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र में घूम घूम कर प्रमुख चौक चौराहों पर लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था करेगी। इसकी जानकारी देते हुए पुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय द्वारा इस मौसम में कंबल समेत अलाव की जो व्यवस्था की जा रही है, ऊंट के मुंह में जीरा समान है। ऐसे में आदित्यपुर विकास समिति द्वारा जनमानस की भावना को देखते हुए कंबल और अलाव उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। आदित्यपुर विकास समिति के द्वारा ठंड के ठुकरन से आदित्यपुर की जनता को बचाने के लिए 50 क्विंटल अलाव की लकड़ी का वितरण विभिन्न वार्डों में किया जा रहा है। पिछले दिनों भी हम लोगों ने 20 क्विंटल लकड़ी का वितरण किया था। आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा इस भीषण ठंड में ऊंट के मुंह में जीरा जैसा व्यवस्था किया गया था उनके द्वारा अलाव का, एक दो दिन, जो कि बिल्कुल नाकाफी था। जनता को यूँ ही नगर निगम द्वारा छोड़ दिया गया ठंड में ठुठरने के लिए। कंबल भी जो दिया गया नगर निगम के द्वारा, हम लोग को जो जानकारी है सिर्फ 60 कंबल प्रति वार्ड, जबकि आदित्यपुर विकास समिति जहाँ भी कंबल का वितरण कर रही है 500-600 कंबल का वितरण कर रही है। इसलिए आदित्यपुर विकास समिति ने निर्णय लिया है कि जब तक ठंड पड़ेगा तब तक लोगों को इस ठंड से बचाने के लिए अलाव के लिए लकड़ी का वितरण जारी है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत माझी टोला निर्मल नगर में बीती रात की चिंतामणि नामक महिला के घर चोरी की घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। चोरों ने घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर 80,000 नगद समेत करीब 1.5 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली है। मामले को लेकर आदित्यपुर थाना पुलिस के मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई है। चिंतामणि ने पुलिस को बताया कि बीती रात वो अपनी बेटी को ट्रेन पकड़वाने के लिए स्टेशन गई थी। इसके बाद रात को दिल्ली बाजार स्थित अपने दूसरे मकान में सोने चले गई थी। सुबह पड़ोसियों ने जानकारी दी कि उसे घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है।
आनंद फानंद में अपने घर पहुंची तो देखी कि दरवाजा टूटा हुआ है, जहां से पता चला कि चोर ने घर में रखे 25,000 नगद, एक जोड़ा पायल, 4 सोने का लॉकेट, कान की बाली, मांग का टीका, गैस चूल्हा तथा सिलेंडर और कांसों के बर्तन चुरा लिए हैं। चोर घर में रखे प्लास्टिक की कुर्सी भी लेकर भाग रहे थे, लेकिन जब वे लेने जा पाए तो रास्ते में ही फेंक दिया। बताया जा रहा है कि चोरों द्वारा क्षेत्र में बंद मकानों को निशाना बनाया जा रहा है। चोर शाम में रेकी करते हैं और पता लगाते हैं कि कौन से मकान में ताला लटका हुआ है। इसके बाद चोरों का दल उक्त मकान में चोरी की घटना को अंजाम देता है। शनिवार को मांझी टोला निर्मल नगर में हुई इस चोरी की घटना के बाद क्षेत्र में लोग अपने जान माल की सुरक्षा को लेकर सहमे हुए हैं। इधर घटना के बाद महिला का रो रो कर बुरा हाल है। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। आज रात में कितना बजे? अभी ये तो हम नहीं बता सकते हैं, हम लोग तो अंदर पड़ जाते हैं। कैसे पता चला? सुबह में देख रहे हैं केवाड़ी खुला है। अच्छा, वो लोग रहता था डेन। अच्छा, कौन तो उसका बेटी पूजा करना था तो वहाँ चल गया, बाजार में रहता है। अच्छा, तो कितने बजे चोरी हुआ था? ये तो हम नहीं बता सकते। तो क्या क्या मतलब आपको जब पता चला तो क्या देखे आप? सामान तो अब वही लोग ना बताएगा कितना। नहीं नहीं, सामान के सामान बिखरा पड़ा था। हाँ, पूरा उधर फेंकल था सामान। क्या सामान में क्या क्या फेंका? मिले के खाली कुर्सी तो मिला है। कुर्सी मिला है, वो लोग नहीं आया, वो लोग बोला कि हम लोग ऐसे रहे। कौन कौन रहता है घर में? माँ रहता था, पहले बेटी था, उसके हस्बैंड भी है, लड़की नहीं है। क्या नाम है घर वाला का? घर वाला के उसका माँ के तो चिंता मन। आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर दशमेश सिंह। पुतनी जी, कल चोरी की कोई घटना घटी है, क्या है पूरा मामला? हाँ, निर्मल नगर HYDT के बगल में एक घर में चोरी हुई। सुबह में मैं मॉर्निंग वॉक उधर गया था तो मालूम हुआ कि इसी घर में चोरी हुआ है। तो मैं भी वहाँ गया तो घर की मालकिन जो है वो दिखाई दे, ये ताला तोड़ा, ये सामान ले लिया, वो सामान लिया, तो सब बिखरा हुआ था सामान। फिर वही लोग जो है थाना में, थाना को सूचित किया, थाना से लोग आए अपना वो छानबीन किया। अच्छा, आप जब आप देखें तो क्या लगा, कितना का चोरी हुआ? अब वो तो सामान सामने में खोले था, बिखरा हुआ बक्सा खुला हुआ था। अच्छा, और वो गैस गैस चूल्हा के बारे में बताई तो गैस चूल्हा जो है ले गया है। यही सब सामान था, उसमें क्या सामान था नहीं था। अब तो जो घर मालकिन जो बताएगी या जो सूचना दी होगी उनके ऊपर है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर नगर निगम वार्ड 20 गुमटी बस्ती स्थित काली मंदिर प्रांगण में रविवार को कानू हलवाई समाज की बैठक आयोजित की गई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित उक्त बैठक की अध्यक्षता विजय कुमार साहू ने की। आयोजित बैठक में समाज के वरिष्ठ गणमान्य सदस्य भी उपस्थित रहे। बैठक में बढ़ते कोरोना के प्रसार को देखते हुए आगामी 30 जनवरी को होने वाले पारिवारिक मिलन सह वन भोज कार्यक्रम में अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्णय लिया गया। कानू हलवाई समाज के कार्यकारी अध्यक्ष शिव नारायण प्रसाद ने बताया कि कोरोना किसी समाज या शहर को देखकर नहीं फैलता बल्कि लापरवाही के कारण फैलता है। उन्होंने सभी से COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने, सामाजिक दूरी का पालन करने व मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, समाज के लोगों में प्रशासन को सहयोग करने की अपील कर एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका निभाने का अपील करना चाहिए। उन्होंने समाज की मजबूती पर भी बल दिया और कहा कि समाज के युवा ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पर जोर दे ताकि समाज की भावी पीढ़ी शिक्षित वर्ग श्रेणी में आ सके। बैठक में मुख्य रूप से आदित्यपुर प्रसाद, शिव बाबू गुप्ता, परमेश्वर प्रसाद, शिव नारायण प्रसाद, सत्यनारायण साहब, अतुल गुप्ता, जयप्रकाश गुप्ता, पवन प्रसाद, रितेश गुप्ता, किशोर गुप्ता, रोहित प्रसाद आदि मौजूद रहे। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडा की। थाना रोड काली मंदिर प्रांगण में कानू हलवाई समाज के स्वजाति बंधुओं की एक बैठक आवश्यक बैठक हुई, जिसमें समाज को आगे बढ़ाने के लिए सब अपने अपने विचार विमर्श किए हैं। इसको आगे बढ़ाने में जो सहयोग मदद है, जितने सहयोग मदद किए आगे बढ़ाने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया।